नमस्कार, आप देख रहे हैं गीतांश टीवी, प्रस्तुत है समाचार। मोहम्मदगंज से अनूप सिंह की रिपोर्ट। बिजली तार की चपेट में आने से 14 वर्षीय बच्ची की हुई मौत। थाना अंतर्गत पोटो भजनिया गांव में सोमवार की अहले सुबह अवैध तरीके से खींचे हुए विद्युत के नंगे तार की चपेट में आने से गांव के ही अरविंद पासवान की पुत्री ममता कुमारी की मौत हो गई। घटना की सूचना मिलने पर परिजन घर के पास खेत में अचेत अवस्था में लड़की को पड़े हुए देखे। आनंद फानंद में हुसैनाबाद अनुमंडलीय अस्पताल ले गए, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। मृतिका की मां गुंजन देवी और दादी आशा कुंवर ने बताया कि ममता अहले सुबह घर से बाहर खेत की ओर निकली थी। खेत के बाड़े में अवैध तरीके से प्रवाहित विद्युत के करंट के चपेट में आने से मौत हो गई। उक्त खेत गाँव के ही प्रमोद मेहता का बताया जाता है, जिसके चारों ओर नंगी तार के करंट प्रवाहित था। घटना की सूचना मिलने पर SI आशीष कुमार व ASI विपिन ठाकुर पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और परिजनों से घटना की विस्तृत जानकारी ली। साथ ही पुलिस ने मौके से अवैध तरीके से विद्युत प्रवाहित नंगे तार को जब्त कर लिया है और मृतिका के शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए हुसैनाबाद अस्पताल भेज दिया है। SI आशीष कुमार ने बताया कि पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। मृतिका के परिजनों द्वारा लिखित आवेदन के बाद आगे की कार्यवाही की जाएगी। कौन लाइन दिया था खेत में? कोईरी के बरामद के कोईरी खेतवा गोटैया कइले आई ए भैया। जा था ले बाहर भीतर मकई के खेत में तार में लपटा ले गैलक बाहर भीतर परमद के खेत ले ममता कुमार हेले गिर अति गिर गेल तो मर दिया। लाइन लग गया था तार से। कौन घेरा हुआ खेत? परमोद नेता नेता। और जिसकी मौत हुई वो कौन है? ममता ममता कुमारी। कौन लगती है आपकी? नतनी लगता। अच्छा, अभी इस घटना के बाद आप पुलिस को जानकारी दिए हैं? हाँ, पुलिस आयल हलन रिपोर्ट के सब गोल बड़ा। एलिगेंट डेकोर रंका रोड हीरो बाइक शोरूम के निचले फ्लोर पर मेन रोड गढ़वा। यहां हर प्रकार का मॉड्यूलर फर्नीचर उपलब्ध है, जैसे किंग साइज बेड, क्वीन साइज बेड विद स्टोरेज सोफा, सोफा कम बेड, लिविंग रूम, बेड साइड टेबल, अलमीरा, ड्रेसिंग टेबल होलसेल रेट पर उपलब्ध है। तो आज ही संपर्क करें एलिगेंट डेकोर प्रोप्राइटर पंकज गुप्ता।